नमस्कार, न्यूज लाइव फ्लैश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संगीता तिवारी। बुधवार को जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड सह थाना अंतर्गत मंझलाडी अम्बाटाण गांव में बहुत ही भीषण आग लगने के कारण मकान में रखे सामान जलकर राख हो गए। जैसे ही ग्रामीणों को खबर मिली, पूरे गाँव के लोगों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया और काफी देर बाद अंततः आग पर काबू पा लिया गया, परंतु इस क्रम में काफी क्षति हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार घर में आग दिन करीब 1 से 2 बजे में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगा बताया जा रहा है। घर के मालिक इस्माइल अंसारी ने बताया कि घर के खप्पर, पुआल, मकान में लगे लकड़ी, चावल सभी सामान जल गए। मकान मालिक के अनुसार घर में आग लगने से लगभग 50 से 60 हज़ार की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इसलिए इस्माइल अंसारी का परिवार संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से मांग करते हैं कि उन्हें उचित मुआवजा प्रदान की जाए, ताकि वे कुछ क्षतिपूर्ति कर सकें व उनके परिवार को इस विपदा से उबरने में कुछ राहत मिल सके। न्यूज़ लाइव फ्लैश में स्वागत है। जो जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के आमटाण मझलाडी पंचायत आमटाण में आग लगी है, और जी आपको इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो आग लगी है ये है कि तो इलेक्ट्रिक का छत शॉर्ट से लगा है जी। इसमें बिचाले रखा हुआ था, खपरेला का मकान था। इसे वही है कि हम लोग कोई तरह से पंप उप लगा के इसको बुझाएं, बहुत आदमी मिल के जी। अब इसके चलते में क्या हो रहा है, कोई पदाधिकारी आए थे क्या? कोई नहीं, अभी तक तो नहीं पहुंचा है जी। खबर किए थे? हाँ, खबर तो ऐसे किए हैं, अभी तक तो कोई। जो आग लगी है कितनी बजे आग लगी है? 2 बजे। 2 बजे? हाँ जी। कितने? 2 या 1 के बीच में होगा इधर ना। अच्छा, कितने नुकसान हुआ है? नुकसान तो अब देखिए रहे हैं क्या है नहीं है। अब तो लकड़ी उकड़ी था, जो जो भी था, थोड़ा चावल वोल होगा अंदर, वही तो है। तो पर भी कितना होगा? कम हाँ, वही 50-60 हज़ार के इसमें मान कर चलिए नुकसान हुआ होगा, जो भी है जी। हाँ, उसका आगे तो पर उतना जोड़ घटा तो अभी नहीं है ना, मान कर चलिए उसका अंदर जो भी सामान पत्र है थोड़ा बहुत जो अगड़म बगड़म है।